नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा नेक्सोन सीएनजी के दो वेरिएंट। जी हाँ, नेक्सोन सीएनजी जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और जो वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी लोगों को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगने वाले हैं, क्योंकि फीचर्स जो आज के टाइम में लोगों को चाहिए ना वो सारे आ जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लगभग 8 फीचर का डिफरेंस है और मोटा मोटा 50,000 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट में। वेरिएंट कौन से है? ये अपने पास है क्रिएटिव वेरिएंट और ये अपने पास है क्रिएटिव प्लस वेरिएंट। एक्सोरूम प्राइसिंग देखे ना तो 11,70,000 रुपये है इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस और ऑन रोड गुड़गांव में 13,40,000 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगी। और क्रिएटिव प्लस का देखें तो 12,20,000 एक्सोरूम और लगभग 14,00,000 रुपये ऑन रोड गुड़गांव में। आपकी सिटी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकता है प्राइस, क्योंकि RTO का प्राइस अलग अलग होता है। तो आप हमें अपने शहर का नाम कमेंट कर सकते हो, वेरिएंट जो भी जानना है आपको। इनके अलावा भी अगर आपको कोई वेरिएंट देखना है तो उसका नाम भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम बता देंगे कितने की पड़ने वाली है। अब डिफरेंस क्या क्या है फीचर्स में उनके बारे में बात करते हैं और कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कलर ऑप्शन अगर मैं आपको बता दूं तो डाइटोना ग्रे आप देख रहे हो और गाड़ी आपको थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, क्योंकि यार अभी अभी जो है वो यहाँ की लाइट चली गई और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इस वजह से हम इसी हालत में शूट कर रहे हैं। बट एक्सटीरियर से ज़्यादा कुछ मैं दिखाऊंगा नहीं, इस वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कहाँ थे हम? कलर पे थे, है ना। डाइटोना ग्रे का ऑप्शन आपके पास है, वाइट का ऑप्शन आपके पास है, रेड का है, ओशियन ब्लू का ऑप्शन आपके पास है, साथ ही ड्यूल टोन के ऑप्शन भी हैं आपके पास। तो आपका जैसा मन करे वैसी चीज़ें आप चूज कर सकते हो। दोनों में सेम ही कलर ऑप्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। फीचर्स वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सामने से जब आप देखोगे गाड़ी को तो कॉस्मेटिक चेंजेस कोई भी नहीं दिखेंगे आपको। व्हाइट कलर की इसकी स्किड प्लेट है, व्हाइट की उसकी है, बाकी जो भी बम्पर वगैरह का डिज़ाइन है वो सब है, सेम है, मतलब एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है एक फीचर में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, ये कैमरा आपको मिल जाता है, वो भी पार्किंग सेंसर्स के साथ। तो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट का जो सबसे मेन फीचर है वो है कि 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। बाकी LED लाइटें आपको मिल जाती है, फोग लैंप आपको मिलते नहीं। जो DRLs है आपके, मतलब जो इंडिकेटर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और DRLs भी इन्हीं में ही मिलेंगे। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ, ये जो सिक्वेंशियल आप देख रहे हो ना, ये दोनों वेरियंट में ही मिलते हैं, यानी कि क्रिएटिव से स्टार्ट आपके हो जाएंगे। उसके अलावा व्हील्स में कोई चेंजेज नहीं है, अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे। 215/60R16 का ओवरऑल साइज है। ऊपर ORVM आप देखोगे तो ORVM में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और फोल्ड का फीचर जो है वो दोनों आते हैं। लॉक अनलॉक पे आपके फोल्ड भी हो जाएंगे। बस इसमें क्या है कि 360 डिग्री कैमरा आपका ORVM पे भी दिखेगा और इसके साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का एक फीचर जो है वो भी एडिशनल हो जाएगा इस कैमरा की मदद से। रूफ रेल दोनों गाड़ियों में मिलेंगी आपको, सेम है। सनरूफ के ऑप्शन दोनों वेरिएंट में से किसी में भी नहीं है, यानी कि ना ही आपके पास क्रिएटिव एस का ऑप्शन है, ना ही आपके पास क्रिएटिव प्लस एस का ऑप्शन है, ठीक है। तो सनरूफ नहीं मिलेगा, सनरूफ के लिए आपको फिर एकदम टॉप एंड लेना पड़ेगा, जो ये क्रिएटिव प्लस के ऊपर आपको 1,40,000 रुपये ज़्यादा कॉस्ट करेगा एक्स शोरूम पे। पर उसमें एडिशनल काफ़ी सारे फीचर आपके लिए आ जाएंगे। पीछे से भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ सेम है। नेक्सोन CNG की अगर मैं बात करूँ तो 321 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी में आता है, 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाले सिलेंडर यहाँ पे CNG सिलेंडर आपको मिलते हैं। KG में बात करें तो लगभग 9 किलो के आसपास गैस जो है वो कंपनी बताती है कि आ जाएगी, अच्छा प्रेशर है तो आ जाएगी, नहीं तो 6.5-7 किलो के आसपास गैस जो है वो आएगी। दोनों में ही आप साइड में से CNG फिल करवा सकते हो, मतलब कि नेक्सोन में CNG साइड में से फिल होगी, ये फ्लैप के नीचे आपको मिलता है। अब फीचर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन ये वाला वेरिएंट देखते हैं, यानी कि क्रिएटिव वेरिएंट सस्ते वाला। इसमें क्या चीज़ें हैं देखो, पिछले वाली सीट में कोई भी आपको जो है वो डिफरेंस नहीं दिखेगा। डोर आप देखोगे तो ये जो वाइट कलर है ये सॉफ्ट टच है, जो आपके डोर हैंडल्स है वो भी वाइट कलर में है, बाकी क्रोम में है। देन अपने पास सीटें आप देखोगे ना तो फैब्रिक की सीटें आपको मिलती है। 3-pointer सीट बेल्ट है अपने पास जो है वो, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कोई भी आर्म रेस्ट नहीं है। यहाँ पे रियर AC वेंट आपके आगे, कोई भी चार्जिंग की सुविधा नहीं है। ये दोनों गाड़ियों में आपको सेम ही मिलता है। अब जो मेन डिफरेंस है वो है आगे की तरफ, यहाँ पे डोर वगैरह तो सब सेम है, मतलब कि पावर विंडो के कंट्रोल आपके, लॉक अनलॉक वाले, ये सब चीज़ें सेम है। हाइट एडजस्टमेंट जो है वो हो जाएगी आपकी ड्राइवर सीट की। और उसके अलावा स्टेयरिंग आप देखोगे तो लेदर की रैपिंग स्टेयरिंग पे नहीं आती,
टू स्पोक स्टीयरिंग आपको मिलता है, सीएनजी के साथ भी कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको मिलता है। दोनों ही वेरिएंट में ये भी सेम मिलने वाला है। जो डिफरेंस है वो है यहाँ, ये स्क्रीन देखो काफ़ी देर में स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे आपको ये 7 इंच की स्क्रीन मिलती है हरमन वाली, जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपका वायर्ड चलता है, वायरलेस नहीं चलता। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपके जो वाइपर है वो मैनुअल है, यानी कि रेन सेंसिंग नहीं है, और हेडलैम्प जो है वो भी ऑटोमेटिक आपके नहीं आते। इसके अलावा यहाँ पे जो IRVM है ये भी आपका मैनुअल आता है, कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, कोई भी अपना ब्लाइंड व्यू मॉनिटर नहीं है। हाँ, आपको पीछे वाला कैमरा मिल जाता है, वो आप देख सकते हो, कुछ ऐसा जो है वो आपको ये दिखेगा। ठीक है, मतलब एकदम ही HD तो है नहीं, बाकी ठीक ठाक आपको ये मिलता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें बाकी चीज़ों की, तो कुछ ऐसा है इसका ये मिडल वाला हिस्सा, और यहाँ पे अपने पास कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो भी आ जाता है। ठीक है जी, देख लिया आपने 7 इंच का, और ये वाली स्क्रीन वगैरह सब कुछ आपने देख ली। अपने पास जो है यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं, क्रूज कंट्रोल नहीं आते। नेक्सॉन CNG में टॉप एंड वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। अब चलो अपन चलते हैं क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में। अब क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में सबसे पहले तो जो बीच वाली स्क्रीन है ना वही आपको दिखेगी बड़ी सारी, बाकी डोर वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो आप बिल्कुल सेम टू सेम है। डिफरेंस जो है वो है यहाँ पे, एक बार ऑन कर लेते हैं अपन गाड़ी को, ये होगी जी ऑन। टाटा मोटर्स यहाँ पे भी लिखा आता है, ये वाली स्क्रीन थोड़ी सी जल्दी जो है उसके कंपैरेटिवली ऑन हो गई। ब्लू कलर का थीम जो है वो इस स्क्रीन में है, और इससे मैच कर जाएगा जो कि यहाँ पे भी ब्लू है, तो यहाँ पे भी ब्लू आता है। क्रिएटिव पेट्रोल लेते हो तो भी सेम ही थीम आती है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में जो थीम आती है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर मुझे लगती है। बट फीचर्स आ जाएंगे क्या, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपका वायरलेस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो कुछ इतनी सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। एक बार मैं आपको 360 डिग्री कैमरा और दिखा दूँ, तो कुछ ऐसा है इसका कैमरा, और अगर अपन ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की बात करें तो वो कुछ ऐसा है। अगर अपन बात करें रिवर्स की तो ये कुछ ऐसा है, इसका क्लियर है रिवर्स वाला, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बढ़िया है रिवर्स वाला। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो जो है वो इसके साथ आपको मिलेंगे। ऑटोमेटिक वाइपर आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो भी आपके यहाँ पे आ गए। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा आपका सिमिलर है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर IRVM आ गया, लेकिन आपका ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे वैनिटी मिरर, और यहाँ पे आपका टिकट होल्डर, ठीक है। तो जी मोटे मोटे तौर पे अगर अपन 50,000 रुपये खर्चे तो अपने को 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, जो कि अगर अपन बिल्कुल कम से कम भी उसकी कॉस्ट लगाए तो मान लो 10,000 रुपये का तो भाई पड़ ही जाएगा। उसके ऊपर बड़ी स्क्रीन अपने पास आ गई, बड़ी स्क्रीन के भी आप मान लो भाई 10,000 रुपये तो मान ही लो, टाटा की स्क्रीन है, ठीक है, तो 20,000 हो गए। देन अपने पास क्या आ गया था उसके बाद, IRVM आ गया, वो भी भाई काफ़ी बढ़िया है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ गए, ऑटोमेटिक वाइपर आ गए। तो मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो भाई वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, वो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट जो है वो क्रिएटिव एस से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप ले रहे हो तो इस पे चले जाना, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डिसीजन आपके लिए रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, बाकी आप हमें बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सी बढ़िया लगी, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। इंजन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा, तो 100 BHP जनरेट करता है, 100 BHP, ठीक है, और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 24 km/kg की माइलेज, जो रिव्यू आए हैं उसके हिसाब से आपको हाईवे पे दे देगी गाड़ी इतनी माइलेज, कोई दिक्कत नहीं है, और सिटी में भी आपको 20 के लगभग की माइलेज जो है वो मिल जाएगी। इससे टर्बोचार्ज इंजन है, पहला इंजन है ये इंडिया में जो कि CNG के साथ आया टर्बोचार्ज होने के बावजूद, और टाटा ने काफ़ी अच्छा काम डेफिनेटली किया है, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगी। जल्द ही हमारे चैनल पर नेक्सॉन का और ब्रेजा का कंपेरिजन जो है वो आने वाला है, माइलेज टेस्ट प्रॉपर जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में।